हेलो हेलो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन अ संडे दिस टाइम आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपना करियर रूइन कर सकते हो तो काइंड ऑफ एंटी चीजें आपको बताने वाला हो तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि एटलीस्ट यार इनमें से कोई चीज़ें हैं जो हम हमारे करंट बिहेवियर में कर रहे हैं विच माइंड भी अफेक्टिंग आर करियर तो उनको हम चेंज कर लें मे बी इट्स द राइट टाइम मे बी इट्स नॉट टू लेट एंड यूजली इट्स नेवर टू लेट तो आपके पास हमेशा टाइम रहता है हमेशा एक चांस रहता है चीज़ें सुधारने का आ, आपकी बात हो मेरी बात हो किसी की बात हो हम हमेशा 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 वी डू हैव चांसेज टू इंप्रूव अपॉन सर्टन थिंग्स तो विदाउट बिंग सेड लाइक बनने जरूर दवा दीजिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको करियर रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है तो इस चैनल पर वही हम डेप्थ में डिस्कस करते हैं विद दैट नंबर वन बात करते हैं कि कंसिस्टेंटली हमारे प्लेर्स के साथ खुद को कंपेयर करना बहुत बार होता है कि डिस्कशंस में हम लोगों को सामने वाले का सैलरी पता लग जाता है उसका वर्क एक्सपीरियंस पता लग जाता है उसका डिग्री का पता लग जाता है एंड हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं यार उसने तो इतनी अच्छी डिग्री की है या फिर उसकी तो डिग्री इतनी अच्छी नहीं है या उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है फिर वो मेरे से ज़्यादा कैसे कमा रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा एंड दिस रादर देन फोकस ऑन आर ओन डेवलपमेंट एंड आर ओन करियर दिस पुश टू फोकस ऑन कि सामने वाले ने क्या किया है उसके बेस में क्या करूँ विच इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ थिंग्स आप गैस कर ही सकते हैं इस चीज़ को हम यूजअली यूज़ करते हैं कि जब मैं मुझे किसी करियर में ट्रांजिशन लेना है आई वॉन्ट टू ट्रांजिशन माई एक्जिस्टिंग करियर तो मैं दूसरों का प्रोफाइल देख लेता हूँ समझ लेता हूँ कि उसने क्या किया है उस एंगल में मैं कुछ करता हूँ वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस चीज़ के ऊपर देखना है एंड कंपेयरिंग आर सेल्फ टू आर पीयर्स है बट यूजअली जब मैं इस केस में बात कर रहा हूँ दिस इज अ नेगेटिव कंपेरिजन एंड वो वहाँ क्यों है मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ काइंड ऑफ कंपेरिजन इट विल ईट अप योर करियर क्योंकि आप कम आप पूरी कंप्लीट एक अच्छे तरीके से एक डेप्थ में अपने खुद के करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे सो दैट्स नंबर वन नंबर टू इज डेवलपिंग पुअर वर्क एथिक पैरेलल में मैं इसमें बोलना चाहूंगा जो कंसिस्टेंटली लोग वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढते हैं एंड आई बी आई एल बी फुली 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 वन हंड्रेड परसेंट ऑनेस्ट हियर अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं देर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप ऑफिस की बात करें तो अगर आप बहुत बड़ी कंपनीज में जहां पर आपका जॉब रोल बहुत ही छोटा बहुत ही वेल well डिफाइंड है मे बी देर विल बी सम वर्क लाइफ बैलेंस माइनस प्लस जब कोई इंपॉर्टेंट टाइम आएगा कोई लॉन्च आएगा कुछ ऐसी चीजें होंगी वहां पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ऑफ बैलेंस होगा बट अदरवाइज यू विल हैव मेंटेन अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप स्टार्टअप में काम कर रहे हैं एक्सपेक्ट टू डू मोर थिंग्स बिकॉज आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी वेल well डिफाइंड नहीं होती हैं बट यही एक मजा है स्टार्टअप में काम करने का या खुद का स्टार्टअप करने का दैट यू गेट टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्टफ राइट एंड यू गेट टू बिल्ड समथिंग सब्सटैशियली सबस्टैशियली बेटर तो मैंने दोनों साइड में पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देखे तो मैं आपको दूसरा वाला एग्जांपल देता हूँ जिन लोगों से वर्क लाइफ बैलेंस होता है जो बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं आफ्टर थ्री फोर फाइव ईयर्स दे स्टार्ट टू फील लाइक यार मैं ना कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं ला पा रहा हूँ इस कंपनी के काम में ना मेरे काम से प्रोडक्ट ज्यादा अफेक्ट होता है वही 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 चीजें मैं करता आ रहा हूँ एंड आई एम नॉट एंजॉइंग माई वर्क और समथिंग लाइक दैट तो उनको ना एक कंसिस्टेंट ऐसी फीलिंग आने लगती है कि यार आई एम नॉट इनफ और आई एम नॉट इन द प्लेस आई शुड बी इन एंड वो बहुत ज़्यादा कॉमन है जब हमारा वर्क स्कोप जो है बहुत छोटा हो वो बड़े कंपनीज में होता है बट वो छोटे वर्क स्कोप का पॉजिटिव यह है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाता है शाम को पाँच छः बजे के बाद आप वही टिपिकली आप जो चाहें कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर आ गुड एग्जाम्पल जहां पर जब वो लोग ऑन कॉल नहीं है राइट द वर्क लाइफ बैलेंस इज ग्रेट बट वैन इट्स इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट समू शिप इट्स गोइंग टू बी अ मेस राइट तब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस हो तो यूजुअली क्या होता है करियर्स में एक बड़ा चंक आता है जहाँ पे आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है फिर एक बड़ा चंक आता है जहाँ पे आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता अच्छा नहीं अच्छा नहीं सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर हम सिर्फ वही वर्क लाइफ बैलेंस को ढूंढते जा रहे हैं तो हमारा वर्क विल भी पुट ऑन प्रायरिटी थी एंड करियर ग्रो नहीं हो पाएगा एंड आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को बोलते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस इज मिथ इट इज सिम्पली नॉट पॉसिबल तो वो एक्सपेक्टेशन रखना भी ना हमें एक कड़वाहट दे जाता है इन जनरल इन वट एवर करियर वी आर डूइंग भले हमारा बिजनेस हो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से उनका बाय द वे बिजनेस भी अफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली एक् 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नंबर तीन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ना इंप्रूव करना ना बिल्ड करना एंड ऐसा बिलीव करना कि आपके टेक्निकल स्किल्स इनफ होंगे एंड आपको हर जगह कैरी कर जाएंगे ये कंसिस्टेंटली टेक और आई के फील्ड में देखने को मिलता है लोग डू नॉट स्पेंड इनफ टाइम टू बिल्ड देयर कम्युनिकेशन स्किल्स दे डू नॉट स्पेंड इनफ टाइम टू बिल्ड देर मैनेजेरियलियलियलियलियल स्किल्स टू बिल्ड देयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स दे थिंक कि यार मैं डेवलपर हूं तो मेरे को सिर्फ टेक्निकली मैं टॉप पे हूँ तो मेरा हो जाएगा काम बट धीरे धीरे जैसे जैसे टीम बड़ी होती है ये चीजों का प्रॉब्लम होता है कहीं आपने कुछ कम्युनिकेट किया वो गलत कम्युनिकेट हो गया एट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टेक्निकल स्किल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है दे आर एज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बट दैट्स द पॉइंट दे आर एज इंपॉर्टेंट एज द कम्युनिकेशन स्किल्स क्योंकि टेक फील्ड बहुत ही ब्रूटल है इसमें ऑन टॉप रहना इन वट एवर वट एवर टेक्नोलॉजीज क्या नई चीज़ें हो रही है क्या नहीं बहुत ही डिफिकल्ट है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है लोगों को बट उसमें थोड़ी सी मेहनत और कम्युनिकेशन वाली हो जाए तो करियर कहाँ से कहाँ जा सकता है इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्पेशली टेक वालों को मैंने करते देखा है नंबर चार इग्नोरिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो इसी के पैरल में आ जाता है कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स तो बढ़ा रहे हो बट टेक स्किल्स भी बढ़ानी है उसमें इंडस्ट्री के कुछ ट्रेंड्स होते हैं अब भले ही वो डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हो तो अभी ए आई रिलेटेड एक ट्रेंड चल रहा है राइट सो इफ इन नॉट ऑन टॉप ऑफ ए आई आप बहुत सारी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे एंड मैं भी पहले ऐसा करता हूँ सोचता था यार फैड्स एंड ट्रेंड्स में क्यों पढ़ना है आ, मैं तो एवरग्रीन करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं एवरग्रीन ये चीज बिल्ड करने की कोशिश कर रहा आई रियलाइज कि आई डोंट हैव टू गो इन टू कोर ऑफ दैट थिंग इफ आई जस्ट अंडरस्टैंड दैट ट्रेंड मैं उसको मेरे करंट जॉब रोल में किसी ना किसी तरीके से लेवरेज कर सकता हूं कैपिटलाइज कर सकता हूं उस पर एंड मेरी करियर प्रजेक्टरी को तेज कर सकता हूं तो so, जो चीज मुझे पांच या छः साल में अचीव करनी थी बाय राइडिंग ऑन दैट ट्रेंड सेम मेरे ही एग्जिस्टिंग करियर में मैं उस सेम चीज को दो से तीन साल में अचीव कर पा रहा हूं एंड दैट आई थिंक इज अ की मैंने जो कंसिस्टेंटली नोटिस किया कि लोग करते आ रहे हैं एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि जब कोई नया ट्रेंड आया उस पर एक बिजनेस खड़ा कर लो ऐसे बहुत लोग हैं दैट आई डोंट थिंक इज अ गुड रेसिपी इन जनरल वो फिर मतलब वही होगा कि

अंडरस्टैंड यार अगले तीन से चार साल में मार्केटिंग एज अ रोल कैसा इवॉल्व होगा क्या मैं उसके लिए तैयार हूं एम आई अप स्किल्ड फॉर दैट अगर मैं वो मेहनत ना करता तो मेरी जॉब मेरा करियर ऑलरेडी बहुत तरीके से खतरे में होता so हो है बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री ट्रेंड बेस्ड ऑनल्ड ट्रेंड्स एंड एम आई प्रिपेयर फॉर दैट एम आई अप स्किलिंग फॉर दोंग्स फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग एक और डेप्थ में एग्जाम्पल देना चाहूं तो एच टी एम एल सी एस एस सीक्वल एनालिटिक्स का नॉलेज दिस इज बिकमिंग अ नॉन नेगोशिएबल आप बहुत सारे मार्केटिंग के जॉब डिस्क्रिप्शन देख लो ग्रोथ के जॉब डिस्क्रिप्शन देख लो दीज आर बिकमिंग नॉन नेगोशिएबल्स जबकि आप चार साल पहले देखो तो आसपास भी मार्केटिंग के रोल में आप सात आठ साल नौ साल लगा देते थे, थे और आपको आसपास भी इस सब चीज़ों के आना नहीं पड़ता था क्योंकि बाकी लोग होते थे करने वाले बट अब चीज़ें बदल रही हैं तो अगर मैं खुद को अब स्किल नहीं कर रहा हूं एम आई नॉट इफ आई एम नॉट पुटिंग इन द टाइम और एंड टाइम का मतलब पाँच दस दिन की बात है टू लर्न सीक्वल टू लर्न जस्ट बेसिक डेटा एनालिटिक्स तो मैं मेरे मार्केटिंग के रोल को भी खतरे में डाल रहा हूँ उसको आप भली मार्केटिंग एनालिटिक्स के कोर्सेज के थ्रू कर रहे हैं कोर्सेरा है मेटा ये सबके जो अवेलेबल है भले खुद से कर रहे हैं भले चार्जिबिटी एक्सेट्रा यूज कर रहे हैं बट पॉइंट एज कि उसको यूज करके लेवरेज करके यू अंडरस्टैंड कि आपका रोल कैसे इवॉल्व होगा एंड उस पर मेहनत करना है उस पर अपस्किल करना है नंबर सिक्स इज अस्टेक दट आई हेव डन टाइम एंड टाइम अगेन आई स्टिल कंटिन्यू टू इट बिकॉज आई गेट बोर्ड वेरी इजिली वो कैंड ऑफ ऑलमोट बॉर्डर लाइन ए डी एड लेवल है मेरा इज ओवर कमिटिंग एर नेवर फोकसिंग ऑन वन और टू थिंग्स एंड दैस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट पॉइंट क्योंकि अगर हम फोकस नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे नहीं हो सकते कुछ कुछ चीज़ों में एंड दैट्स अ बिग की जो आपको होल्ड कर सकता है तो अब फॉर एग्जाम्पल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव ट्राइड टू फोकस ऑन मेन करियर भले मैं साइड पे एक साइड कॉन्टेंट क्रिएशन हो पढ़ रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ वो रखता ही हूँ बट मेरा जो मेन है उसको मैं फोकस करता आ रहा हूँ कि मैं उसको बिल्ड कर पाऊँ किसी ना किसी तरीके से उसमें बेटर हो सकूँ किसी ना किसी तरीके से सो बिल्डिंग दैट फोकस अभी ये आइडिया आया वो ओ ऐसे पैसा बन सकता है इसमें भी कमिट कर दिया किसी दोस्त ने बोल दिया इससे ऐसा पैसा बन सकता है उसमें भी चले गए किसी ने बोल दिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छा है उसका कोर्स कर लिया किसी ने बोल दिया ये कर लिया आपने वो कर लिया राइट उसमें कुछ एक सेट पाथ या एक एक डायरेक्शन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड फॉर एग्जांपल आप आप मेरे वीडियोस देखोगे यार ये बंदे ने मार्केटिंग कर रखा है मास्टर्स uh, भी कर रखी है ये बंदा बोल रहा है डेटा एनालिटिक्स भी कर रहा रहा है है ये बंदा बोल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है तो मैं भी सब कर लेता हूं बट नहीं आप मेरा प्रेजेक्टरी देखिए मैं एक ग्रोथ मार्केटिंग मैनेजेरियल लीडरशिप लेवल रोल में हूं राइट right? एंड मेरा जो पोजीशन है जो मेरे रोल्स हैं वो इसी लेवल पे रहने वाले हैं सो आई डू नीड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आई डू नीड डेटा एनालिटिक्स स्किल्स आई डू नीड एआई एंड डी स्किल्स बिकॉज उस चीज में मैं कोर में जाना चाह रहा हूँ राइट एंड मार्केटिंग तो है ही है सो so, देखने में बहुत हैफ लगे बट देर इज अ फोकस देर इज अ डायरेक्शन टू दैट बट अब अगर मैं दस और चीजें इसमें ऐड कर दूं इट्स नॉट गोइंग टू वर्क राइट तो मुझे एट अ टाइम एक ही चीज करनी पड़ेगी एट अ टाइम मैं सिर्फ पीएम वाला एंगल पकड़ूंगा एट अ टाइम मैं सिर्फ डीएस वाला एंगल पकड़ूंगा एट अ टाइम मैं सिर्फ ग्रोथ एंड मार्केटिंग वाला एंगल पकड़ूंगा सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उसको छह छह महीने में डिवाइड कर सकते हैं कि यार ये छह महीने में सिर्फ यही मेरा एक्स्ट्रा फोकस रहेगा ये छह महीने में सिर्फ मेरा यही एक्स्ट्रा फोकस रहेगा एंड दिस डेंटेंट हैव टू बी जस्ट योर करियर और पढ़ाई की चीजें दिस कैन बी एनीथिंग दैट यू डू इन लाइफ थोड़ा बहुत फोकस एक शॉर्ट टर्म इंटेंस फोकस ऑन वन और टू थिंग्स इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रो इग्नोरिंग दिस

राइट सो इग्नोरिंग सेल्फ अवेयरनेस इज इज एन इशू बिकॉज अगर आप किसी भी फील्ड के टॉप टेन परसेंट में यू विल अर्न रियली गुड मनी राइट यू विल अर्न सो फॉर एक्साम्पल मार्केटिंग के बहुत से रोल्स हैं जो आपको उनसे कहीं पे करते हैं बट वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पे करते हैं जो मार्केटिंग बहुत अच्छे हैं या जिनके पास एक प्रूफ ऑफ वर्क है या यू आर बाई चॉइस चूजिंग टू रिमेन इन दैट अंडर या लोअर लेवल सीटीसी रेंजेस बिकॉज आपके पास और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं राइट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अगर आप किसी एक फील्ड में टॉप में हैं यू विल अर्न रियली रियली वेल बट यहां पे टाई होता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग यार मैं किस चीज के लिए बनाऊँ मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज को हम मिस कर जाते हैं बहुत सारे YouTube वीडियो देखते हैं बहुत सारा कंटेंट देखते हैं और उसमें फंस जाते हैं आई वी मिस दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई थिंक मेक्स और ब्रेक्स अ लॉट ऑफ स्टफ दैट वी डू सो दीज आर द सेवन थिंग्स इफ़ यू डू देम कंसिस्टेंटली तो आप अपना करियर रूल कर सकते हैं अगर इनको नहीं करेंगे तो आप अपना करियर बेटर कर सकते हैं तो विद दैट ये वीडियो आपको करने का समय आ चुका है आई होप आपने लाइक बटन चलते चलते किसी एक टिप में बहुत अच्छी लगी हो और आपने दबा दिया हो अगर नहीं तो अभी आप दबा सकते हैं इसे मुझे पता चलता है कि यू आर लाइक इंग वीडियोज एंड आई एम इंक्लाइंड टू मेक मोर ऑफ दीज सब्सक्राइब टू द चैनल यू आर हैवेंट ऑल रेडी एल सूच नेक्स्ट टाइम बाय एंड टेक केयर